हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आलोक शर्मा और आपने क्लिक किया है चैनल लर्न द रूल, जिसमें हम जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। तो आज मैं आपसे बात करूंगा एलटीसी ब्लॉक ईयर के बारे में, और इसको आप जानते हैं इसका जो फुल फॉर्म है वो है लीव ट्रेवल कंसेशन। तो जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, हम इसको ऐसे समझेंगे, लीव ट्रेवल कंसेशन, यानी इसमें जो बातें जरूरी हैं वो ये हैं। हालांकि हम ब्लॉक ईयर पर बताएंगे, लेकिन देखिए इसका मतलब लीव होनी चाहिए और ट्रेवल होना चाहिए और फिर आपको कंसेशन मिलेगा। कंसेशन यानी आपको इसको अवेल करने के लिए लीव लेनी पड़ेगी, ट्रेवल करना पड़ेगा, देन यू कैन अवेल कंसेशन। तो ये तो बात हुई इसके फुल फॉर्म के बारे में। अब समझते हैं ब्लॉक ईयर। तो मैं आपसे कहूंगा वर्तमान में जो ब्लॉक ईयर चल रहा है उसके बारे में जाने। वर्तमान में जो ब्लॉक ईयर चल रहा है वो चल रहा है हमारा 2022 से 25, इसको ऐसे बोलेंगे। बाईस से 25 का ब्लॉक ईयर चल रहा है। तो अब जरा समझने की कोशिश करिए, प्रोसेस में समझने में दिक्कत आती है, तो इसको बोलेंगे अपन, ये 4 ईयर का होता है बेसिकली, ये 4 ईयर ब्लॉक हुआ, 4 ईयर्स। 4 ईयर्स ब्लॉक में दो एलटीसी होती हैं, यानी दो एलटीसी आप अवेल कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए, एक होती है वन आपका हो सकता है होम टाउन एलटीसी, तो मैं इसको एचटी एलटीसी लिख देता हूँ, और आप इसमें वन एलटीसी अवेल कर सकते हैं एआई एलटीसी, यानी ऑल इंडिया एलटीसी, यानी इस 4 ईयर ब्लॉक में दो एलटीसी अवेल हो सकती है। अब क्या होता है, जब हम फॉर्म भरते हैं, हमारे अप्लाई करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, जहां एलटीसी सेंक्शन होनी है, तो आपको सही ब्लॉक ईयर लिखना होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और समझना चाहिए आपको। अब इस 4 ईयर ब्लॉक में देखिए, एक ही ले सकते हैं, एक ही ले सकते हैं, तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि पहले आपको होम टाउन लेना है या पहले आपको ऑल इंडिया एलटीसी लेनी है, जो हमारा नॉर्मल 4 ईयर ब्लॉक होता है। ऐसी बाध्यता कुछ न्यूली रिक्रूट्स जो होते हैं उनके लिए जो 1 ईयर ब्लॉक बनाए गए हैं, जो पहले 8 साल के लिए एलटीसी होती है, उसमें वो बाध्यता होती है। तो उसको मैं एक अलग टॉपिक में कवर करूंगा अगले दिन, लेकिन आज हम नॉर्मल 4 ईयर ब्लॉक की बात करें। तो इसको हम क्या है, ब्रेक करके समझ सकते हैं। तो ऐसे कहेंगे, यानी शुरू के 2 ईयर जो आएंगे 2022-23, तो ये जो 2 ईयर का आया है, ये मतलब इसको दो बार तोड़ते हैं, तो ये 2 ईयर का एक वन ब्लॉक आया, और एक तरह से आप समझ सकते हैं, यहां मैं बनाता हूं दूसरा ब्रैकेट, और एक आएगा हमारा 2024 से 2025 वाला। तो देखिए, दो ऐसे सेपरेट ब्लॉक हो गए, 4 ईयर ब्लॉक था, दो सेपरेट ब्लॉकों में इनको एडजस्ट करेंगे। जब सर्विसिंग में एंट्री होती है तो ये 2 ईयर ब्लॉक ही हम लिखते हैं, क्योंकि कौन से वाली ट्रॉफी ली गई है, मतलब इसके इंटरनल 2 ईयर के ब्लॉक है, 2 ईयर के सेपरेट सेगमेंट है। तो आप इस ब्लॉक में चाहे तो आप होम टाउन अवेल कर लें, चाहे तो आप ऑल इंडिया अवेल कर लें, या इस ब्लॉक में भी चाहे तो आप होम टाउन अवेल करें, चाहे तो ऑल इंडिया अवेल करें। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि कौन सी एलटीसी पहले लेनी होगी। तो इसमें क्या होता है, ये 2 ईयर ब्लॉक पे टूट गया, तो इसमें कह देते हैं एनी ऑफ एलटीसी। एनी ऑफ एलटीसी का मतलब एचटी और एआई कैन बी अवेल्ड। ठीक है, तो वैसे ये 2 ईयर का ब्लॉक है, यहां भी सेम बात रहेगी। तो मैं इसको डू कर देता हूं, इसमें भी कोई सी भी एलटीसी अवेल कर सकते हैं। कोई सी भी का मतलब है कि जो आपने पहले अवेल कर लिया है, होम टाउन अवेल कर लिया है, तो ऑल इंडिया अवेल कर सकते हैं, ऑल इंडिया अवेल कर लिया तो होम टाउन अवेल कर सकते हैं। और एक बात और समझ लीजिए कि अगर जहां ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम पहले में आप समझ सकते हैं कि होम टाउन गए और इंडिया में हमारा कोई होम टाउन है, और तो दूसरे ब्लॉक में आप क्या करेंगे, ऑल इंडिया एलटीसी अवेल करेंगे, यानी बोला जाएगा उसको ऑल इंडिया एलटीसी, लेकिन आपको मान लीजिए घर ही जाना पड़ रहा है, ऐसी कोई बाध्यता है कि होम टाउन ही जा रहे हैं, तो ऑल इंडिया एलटीसी अवेल की जाएगी, लेकिन आप होम टाउन का डेस्टिनेशन जो डिक्लेयर करेंगे वो होम टाउन होगा। तो नेचुरली क्या होगी कि आपने होम टाउन चले जाएंगे, लेकिन उसे ऑफिशियल सेंस में क्या कहा जाएगा कि आपने ऑल इंडिया एलटीसी अवेल करी है, ये कहते हैं उसको। तो ये आप समझ गए होंगे। अब एक बात और यहां समझने वाली है कि एक ग्रेस पीरियड नाम का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, जैसे ये 2023 में हमारा ब्लॉक खत्म हो रहा था,
यानी इस तरह से इस ब्लॉक में एक एलटीसी अवेल होनी चाहिए, इस ब्लॉक में एक अवेल होनी चाहिए। अब एक जो बात होती है, यदि आपने ये 2 साल निकल गए 2022 और 23 और आपने मान लीजिए कोई भी एलटीसी अवेल नहीं कर पाए, यानी नन ऑफ द एलटीसी हैज बीन अवेल्ड टिल दिसंबर 2023, तो एक चीज आती है नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट वन ईयर तक। तो वैसे तो ये ब्लॉक ईयर तो दिखाया, पर मैं यहां 2024 लिखूंगा दोबारा से 2024 ऐसे। तो ये जो सिंगल ईयर मैंने लिखा, ये क्या होता है, ये एक तरह से इसको बोलते हैं वन ईयर ग्रेस पीरियड। वन ईयर ग्रेस पीरियड का क्या सेंस हुआ, यानी अगर आपने 2 साल निकल गए, यानी 2022 में भी आपका जाना कहीं नहीं हुआ, 2023 में भी आपका जाना कहीं नहीं हो पाया और आपका ये टाइम हो चुका है, और आप लेकिन इस ब्लॉक को आप खराब नहीं करना चाहते, तो आपकी ये वाले ब्लॉक की एलटीसी 2024 तक यानी वन ईयर ग्रेस पीरियड के अंतर्गत अवेल हो जाएगी। और इसके लिए जरूरी होता है, वन ईयर ग्रेस पीरियड का मतलब है कि आपकी जो ऑनवर्ड जर्नी है, ध्यान दीजिएगा ऑनवर्ड जर्नी की बात कर रहा हूं, यानी जर्नी स्टार्ट देनी चाहिए, ऑनवर्ड जर्नी मस्ट कमेंस, मस्ट बी कमेंस्ड कह सकते हो, मस्ट कमेंस टिल, ये नहीं मैं बोलूंगा 31 दिसंबर 2024, यानी अभी हम जो बात कर रहे हैं वर्तमान में 2023 में चल रहे हैं और 2023 में अप्रैल है अभी, और दिसंबर तक भी हम कोई अवेल ना कर पाए। जैसे कोई भी व्यक्ति कोई भी एम्प्लॉय अगर 2023 के दिसंबर तक अवेल नहीं कर पाया तो वो 2 ईयर ब्लॉक का उसे लगेगा कि मेरा लॉस तो नहीं हो गया, तो लॉस नहीं होता यहाँ पे। ये ग्रेस पीरियड आपका 1 ईयर तक रहता है, जो कि गवर्नमेंट कई बार क्या करती है और भी एक्सटेंड कर देती है। इस बार आपको ध्यान होगा जो ग्रेस पीरियड हमारा यानी 18 से 21 का जो ब्लॉक ईयर था उसमें जो 21 वाली बात थी, तो 22 तक उसका ग्रेस पीरियड था, लेकिन उसके बाद उसको मार्च 23 तक बढ़ाया गया था, तो ये आपको ध्यान होगा। लेकिन फिलहाल जो जनरलाइज रूल है एलटीसी के, हमारे जो बेसिक रूल है उसके मुताबिक 1 साल का ग्रेस पीरियड यानी 31 दिसंबर 2024 तक ये वाला लग सकता है। तो कहने का मीनिंग है कि यहां तक यानी दिसंबर तक आपको अवेल कर लेना है, तो जो बाउंड्री लाइन आती है वो ये आ जाती है, यानी मैं इसको थोड़ा सा एक अलग कलर से मार्क कर लेता हूं, मैं यहां इसको रेड कर देता हूं, तो ये जो है हमारा ग्रेस पीरियड है, यानी यहां तक हमको मूव करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यहां तक भी हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, इतना मूवमेंट यानी ना 22 में हम जा पाए ना हम 23 में जा पाए, और 24 में निकाल दिया यानी 31 दिसंबर हमारा अगर निकल चुका है 2024 का, तो हमारा 1 ईयर ब्लॉक यानी ये वाली एलटीसी जो इस 2 ईयर के अगेंस्ट में आ रही थी, तो ये 1 LTC आप गुम कर देंगे। तो अगर आपकी मोशन अगर मूवमेंट नहीं हुई देन 1 ब्लॉक विल बी फॉरफिटेड, ऐसे लिख देता हूं यहां पे 1 ब्लॉक विल बी लेफ्ट, तो एक एलटीसी क्या होगी लेफ्ट हो जाएगी, बट बशर्ते कि दिसंबर तक यूज ना करें। तो लाइक वाइज अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आप समझ गए कॉन्सेप्ट जो है। तो ऐसे क्या होगा 2024, मान लीजिए हम चले गए 2024 तक, हमने एक मूव कर लिए और उसके बाद और 2024 में मूव कर ली, और लेकिन 2024 से नया ब्लॉक भी स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट फिर से निकल के आएगा और एलटीसी के बड़े अच्छे अच्छे सवाल आते हैं तो वो आप समझ जाएंगे। 2024 में आपने एक एलटीसी अवेल करी थी, लेकिन जो अवेल की थी वो किसकी थी, वो 2022-23 वाली थी, यानी 22-23 वाली एलटीसी को 24 में किसी ने अवेल किया था, तो बेसिकली वो किस ब्लॉक के अगेंस्ट थी, वो इस वाले ब्लॉक के अगेंस्ट थी। और मैं बोलता हूँ मान लीजिए फरवरी में किसी ने एलटीसी अवेल कर लिया, अब फिर से मान लीजिए उनका प्लान जल्दी से बन गया या कोई जगह जाना है डेस्टिनेशन है और फैमिली परिवार वाले जा रहे हैं और आपने भी एलटीसी लेनी है, या किसी कारण से साथ ऐसा हुआ या जल्दी जाना आपका हुआ, तो 2024 में, लेकिन आपको लगेगा कि हमने तो फरवरी अभी 24 में एलटीसी ले चुके हैं, तो बेसिकली आप ध्यान रखिए वो आप एलटीसी ले चुके हैं पुराने वाले ब्लॉक की। तो फरवरी 24 में आपने अगर एलटीसी ली है और आपका मालूम पड़ा कि जुलाई या अगस्त में फिर से प्लान बन रहा है, अगस्त में प्लान बन गया आपका अगस्त 24 में, देन यू कैन अवेल एलटीसी अगेन ले सकते हैं, वो इस ब्लॉक के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगी, यानी जो एलटीसी होगी 2024 में आप अवेल कर सकते हैं, इवन 25 तक कर सकते हैं, और 25 के बाद भी मैंने कहा ग्रेस पीरियड, यदि ये भी नहीं हो पाए तो ये और इसको लास्ट लिमिट होगी कि 2026 के दिसंबर तक ये वाली ब्लॉक की ली जा सकेगी।
तो एक सवाल तो आएगा ग्रेस पीरियड की बात क्लियर हो गई आपको कि 24 तक यहाँ तक ले सकते हैं, 2023 वाली जो खत्म हो रहा है ब्लॉक टू ईयर का, एक क्लियर को ब्लॉक जो 25 में खत्म हो रहा है, एसकेएलटी से 26 दिसंबर 2026 के 31 दिसंबर तक ले आ सकेगा, 31 दिसंबर 26 तक। और साथ ही ये भी मैंने कहा, जैसे कई बार लोगों को कंफ्यूज होता है कि क्या एक साल में 2 LTC जा सकते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक साल में 2 LTC जाने की स्थिति बन रही है, लेकिन एक साल में 2 LTC दो बार LTC जाने में कोई बार नहीं है, बशर्ते कि वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक ईयर के अगेंस्ट एडजस्ट होती हैं। जैसे मैंने आपसे एग्जांपल लिया कि ये फरवरी वाली जो LTC अवेल हुई है वो इस वाले ब्लॉक के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगी, और अगस्त में फिर से जाना पड़ा या नवंबर दिसंबर कभी भी जाना पड़ा तो वो आपकी 2024-25 यानी चले गए आप यहाँ पे, तो आपकी 25 तक की LTC आपने अवेल कर ली। तो ये ब्लॉक पूरा बेसिकली, तो मैं कहूंगा कि अगर पूरा स्मार्ट डी यूज किया है आपने यानी अवेल कर लिया, तो आपका 4 ईयर ब्लॉक पूरा यूज हो जाएगा, जिसमें एक आपकी होम टाउन और एक ऑल इंडिया LTC अवेल हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये ब्लॉक ईयर का कॉन्सेप्ट, और थोड़ा सा माइन्यूट कि हम 2 LTC एक साल में ले पाएंगे कि नहीं, और दूसरी बात आती है कि यहाँ पे हम ग्रेस पीरियड कितना होता है वो ले पाएंगे कि नहीं, ये कर सकते हैं, ठीक है ना। एक थोड़ा सा इसमें साइलेंट फीचर और बता दूं, यानी कोई अगर सेवानिवृत्त हो रहे हैं कर्मचारी और ब्लॉक ईयर नया शुरू हो रहा है, मान लीजिए यानी कोई 31 दिसंबर 2025 को रिटायर हो रहे हैं, का कोई एम्प्लॉइज में रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी यहां तक की LTC अवेल होगी, यानी यानी वो 22-25 के ब्लॉक कर पाएंगे, ये 2 LTC अवेल कर पाएंगे। लेकिन अब एक एम्प्लॉय ऐसा है जो रिटायर हो रहे हैं, मान लीजिए 31 जनवरी 26 को, जनवरी 2026 मान लीजिए, यानी अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका ब्लॉक ईयर ऐसे जो नेचुरल ब्लॉक ईयर खत्म हो रहा था वो दिसंबर में खत्म हो रहा था, और लेकिन उन्होंने क्या किया कि अगला ईयर और चले गए, यानी वो अगले साल 2026 में रिटायर हो रहे हैं जनवरी में। अब ब्लॉक ईयर कहाँ से शुरू होगा, जैसे आप यहाँ पे 22 से 25 तक देखा, तो ब्लॉक ईयर अगला शुरू होगा, आप चार्ट लगाएंगे तो आप देखिए 26 आपका उसमें 27 आएगा, 28 आएगा, 29, यानी 26 से 29 का 4 ईयर ब्लॉक होगा, और 2 ईयर में तोड़ेंगे तो कितना होगा, 26-27 का ब्लॉक होगा, 28-29 का होगा। तो एक एम्प्लॉय जो केवल जनवरी महीने में जॉब कर रहे हैं, यानी वो रिटायरमेंट उनकी दिसंबर से एक महीना ज्यादा चली गई, यानी ये वाला ब्लॉक ईयर, इसको ये मानते हैं कि ये वाला ब्लॉक ईयर शुरू हो गया, जैसे भी जनवरी में चले गए, इसका मतलब 2026-27 वाला ब्लॉक ईयर शुरू हो चुका था, और वो उस दौरान क्या कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। तो ये माना जाता है क्योंकि ये, अब देखिए कोई भी LTC वो अलग बात है कि वो एक महीने बाद ही रिटायर होने वाले हैं, लेकिन ये कोई भी व्यक्ति इसमें होता तो जनवरी में कोई LTC ले सकता है, कॉन्सेप्ट है कि 2026 में LTC जा सकता है, जनवरी के महीने में भी जा सकता है, तो ये व्यक्ति भी जनवरी में क्योंकि रोल पर होंगे, बशर्ते वो एक महीना नौकरी करेंगे, तो ये भी क्या कर सकते हैं, इस ब्लॉक ईयर की LTC, समझिएगा 26-27 वाले ब्लॉक की, उनको 1 LTC मतलब मिलेगी। तो एक LTC इस ब्लॉक के, इस पर्टिकुलर ब्लॉक जो इस ब्लॉक में एंटर कर गए, तो इस ब्लॉक की LTC के भागीदार होंगे, और 1 LTC मिलेगी। तो और मैंने कहा था आपसे कि 2 साल के ब्लॉक में LTC कोई भी ले जा सकती है, चाहे तो वो होम टाउन ले सकते हैं, चाहे तो वो ऑल इंडिया ले सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, एक होम मतलब चाहे तो होम टाउन तो जाते ही है, लेकिन चाहे तो एक ऑल इंडिया LTC, यानी जिसमें कि उनको ज्यादा दूर जाने का देखने का मौका मिलेगा भारत में, तो एक LTC और अवेल की जा सकती है, चाहे बशर्ते वो एक महीना नौकरी करें। तो ये एक उसकी खास बात थी, बाकी लीव इनकैशमेंट के बारे में आप जानते हैं, पूरे LTC मतलब पूरे लाइफ टाइम के दौरान 60 डेज का क्या होता है, ईयर इनकैशमेंट LTC के साथ हो सकता है। तो मुझे लग रहा है LTC के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होंगी, बाकी और न्यूली जो एंट्रेंट होते हैं उनके लिए कैसे LTC मिलती है, तो एक आध वीडियो और बनाएंगे जिसमें LTC के बारे में और आपको पता चलेगा। तो मुझे लग रहा है वीडियो आपको पसंद आना चाहिए, और यदि पसंद आ रहा है तो ये नॉलेज, क्योंकि ये अच्छा कठिन सी बात भी है और लोगों को दिक्कत आती है, इसमें काफी कंफ्यूजन भी होता है फॉर्म वगैरह जब भरते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स भी करें, कुछ जानकारी पूछनी है तो पूछ सकते हैं, और इसको शेयर भी करें ताकि आपके फ्रेंड्सों को और भी लोगों को इसका फायदा मिले। तो आपने चैनल के लिए समय निकाला, देखा वीडियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।